हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ मेथी चीज पराठा। तो मेथी चीज पराठा जो है वो आप किसी भी तरीके से खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप चाहें तो सिंपल भी खा सकते हैं, अचार के साथ, सॉस के साथ या मेयोनीज के साथ, आप कैसे भी खाएं आपको बहुत टेस्टी लगेगा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने मेथी चीज पराठा किस तरीके से बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर रोटी बेल ली। रोटी बेलने के बाद मैं इसके ऊपर रखूंगी चीज स्लाइस, और चीज स्लाइस रखने के बाद इसके ऊपर मैं रखूंगी मसाला। तो जो मसाला मैंने लिया है उसमें है आलू, मेथी और स्प्रिंग अनियन यानी प्याज के पत्ते। तो इन सबको मिक्स करके मैंने इनका एक मसाला तैयार किया और चीज स्लाइस के ऊपर रखा। और अब मैं इसको पूरा अच्छी तरीके से एक पैक कर दूंगी, यानी एक पोटली सी बना लूंगी, और उसके बाद मैं इसे बेल लूंगी। तो बहुत अच्छे तरीके से पोटली बनाऊंगी जिससे कि ये साइड से खुल ना जाए, फट ना जाए। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसको पैक कर लिया है और अब मैं इसे बेल लूंगी। और बेलूंगी इस तरीके से जिससे कि जो भी चीज स्लाइस मैंने इसमें डाला था वो पूरे पराठे में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं चीज जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, जिससे कि हम कोई भी बाइट लेंगे तो हर बाइट हमारी जो होगी वो चीज ही होगी। तो अब मैं इसे अच्छे तरीके से दोनों साइड से सेक लूंगी और मीडियम फ्लेम पर ही मैं सेकूंगी, जिससे कि मेरा जो पराठा है, आप इस पे घी या तेल कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसको सेक लिया था और आप देख सकते हैं मेरा पराठा बनकर रेडी है और मैंने इसे एंजॉय किया था मेयोनीज के साथ। आप भी अपने घर में इसे जरूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी होता है और बहुत ही इजी है। आप कोई भी स्टफ्ड पराठा बना सकते हैं, उसमें अगर आप चीज डालना चाहें तो चीज स्लाइस को आप इस तरीके से ऐड करके चीजी पराठा बना सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।